अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एंड द सेकंड टॉपिक ऑफ यूनिट वन इज टेंसेस। ठीक है, इन द टेंसेस टेंसेस के अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर नंबर वन पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस और नंबर टू पे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो जहाँ तक सिंपल प्रेजेंट टेंस का ताल्लुक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम जो है वो इसकी दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं वर्ब के हवाले से। अब आपने ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि अब जब कभी भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस से मुराद होता है वर्ब, कि वर्ब क्या है, वर्ब की क्या फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि टेंस जो है वो वर्ब की फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जहाँ तक सिंपल प्रेजेंट टेंस का ताल्लुक है, इसकी दो बुनियादी फॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। नंबर वन पे है प्ले, यानी कि जो आपका बेस वर्ब होता है उसके साथ हम एस या ई एस का कोई इजाफा नहीं करते, हम उसी वर्ब को वैसे ही लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद है जो दूसरी फॉर्म है वो हम वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, एस या फिर ई एस का हम क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप थोड़े से एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, कि आई वी और यू जो है, जो ये आपके प्रोनाउंस हैं, अगर ये सब्जेक्ट होते हैं तो फिर वर्ब के साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। अगर ही शी इट लगा है, सिंगुलर आपका जो है वो सब्जेक्ट है, तो उसमें फिर हम वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंसेस की आपके सामने लिखी हैं, आई प्ले और ही प्लेज। ठीक है, और अगर इसी को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो नेगेटिव में आई वी और यू के साथ डू नॉट लग जाएगा। ठीक है, आई डू नॉट प्ले, और ऐसे ही ही शी और इट जो है उसके साथ क्या लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा। तो ही शी इट डज नॉट प्ले। और अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट करना हो, अगर हमने इसी के सवालात बनाने हो, तो हम इसी चीज को डू को हम शुरू में लेकर आ जाएंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन टाइप टू में पढ़ा था ना। ठीक है, और वन में भी यही था कि हम उनकी पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो डू जो है वो यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। ठीक है, डू यू प्ले या फिर डज ही प्ले। अब ये बात जहन में रखनी है कि आई वी यू या फिर जितने प्लूरल्स हैं उनके साथ डू लगेगा, और जितने सिंगुलर हैं ही शी इट उनके साथ हम डज को लगाएंगे। ठीक है, अगेन ये चीज आपको टैग क्वेश्चंस में भी काम आएगी, कि अगर आपका टैग क्वेश्चन आता है कि आई प्ले, ठीक है, तो उसके बाद आप आगे फुल स्टॉप लिखेंगे डोंट आई। ठीक है, क्योंकि आई के साथ डू लगेगा ना। ठीक है, तो फिर इसके बाद कुछ इडियम्स हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब कीप्स जो है ये यहाँ पे वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्ब, कैचेस अगेन वर्ब है। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बाइट जो है वो यहाँ पे आपका वर्ब है, और चूंकि डॉग्स है यानी कि प्लूरल है, तो इस वजह से बाइट लगा है। ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेज 9। ठीक है, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका यूज क्या है। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसे इवेंट को या फिर एक ऐसी कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, जो कि इस मौके पे, जिस मौके पे हम गुफ्तगु कर रहे हैं, जब हमारी बात हो रही है उसी लम्हे पे वो वाकया पेश आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो उसकी जनरल यूजेज हैं, इसके अलावा कुछ और यूजेज हैं। वो यूजेज हैं कि ये साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं या फिर जनरल थिंग्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी आता है। ये कुछ परमानेंट या फिर लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशंस जो हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है जो कि रिपीटेडली यानी कि बार बार होती रहती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए होता है कि जब एक एक्शन के बाद हमें पता हो कि दूसरा एक्शन क्या होगा। ठीक है,
टाइम टेबल्स और शेड्यूल्स जो हैं उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं कि जो किसी हालत को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्शन को नहीं बल्कि बल्कि किसी हालत को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। वो वर्ब्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब हम आगे हर एक चीज की एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है। जनरल थिंग्स में सबसे जो जो फेमस एग्जाम्पल है जो कि ऑफन अक्सर यहाँ पे कोट की जाती है वो है द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। अब सूरज जो है वो हमेशा मगरब में ही गरूब होता है, ठीक है ना। तो जब तो इस टाइप के जितने भी जनरल फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती। अब ये जमीन कब से घूम रही है और कब तक घूमती रहेगी, लेकिन इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो वर्ड जो है वो रिवॉल्व्स आएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे। इसके अलावा परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन, कि ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहता है। अब वो जब से पैदा हुआ है वो वहां पे रह रहा है और वो शायद अगले कई साल वहां पे रहता रहेगा, ठीक है। तो एक परमानेंट सिचुएशन जो होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ही वर्क्स एज अ फायरमैन, अब ये इसकी दूसरी एग्जाम्पल है। अब वर्क्स एज अ फायरमैन, अब जो बंदा एक कोई करियर अपनाता है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो उसका करियर जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि लोग, बड़े रेयर लोग होते हैं जो कि अपना पेशा बदल लेते हैं, वरना जो ज्यादातर लोग हैं वो अपना पेशा नहीं बदलते, ठीक है। तीसरा जो इसका यूज है वो है थिंग्स विच हैपन रिपीटेडली रेगुलरली, हैबिट्स और डेली रूटीन्स, की जो रोजमर्रा की रूटीन होती है, कि ही यूजली वेक्स अप एट 10 past 10, ठीक है, कि वो 10:10 पर अमूमन उठता है, ठीक है। आई यूजली लाइक एग एंड ब्रेड फॉर माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई यूजली लाइक एग एंड ब्रेड फॉर माई ब्रेकफास्ट। तो ये भी अब एक जो है वो रूटीन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, थिंग्स विच हैपन रिपीटेडली, कि ऐसी चीजें जो कि बार बार होती रहती हैं। शी गोज हाइकिंग एवरी सैटरडे, कि वो हर हफ्ते हाइकिंग पे जाती है। अच्छा, उसके बाद वन एक्शन फॉलोज अनदर, कि जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन जो है वो होने वाला, ठीक है। दे टेक देयर बैग्स एंड लीव, वो अपना सामान उठाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। टाइम टेबल्स और शेड्यूल्स जो हैं उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए, अब हालांकि बात ये नेक्स्ट वीक की हो रही है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अवर कोर्स विल बिगिन नेक्स्ट वीक, लेकिन इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज हम कर सकते हैं, कि अवर कोर्स बिगिन्स नेक्स्ट वीक, द प्लेन डजंट लीव अंटिल 4:22। इसके बाद आते हैं स्टेटिव वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब्स जो हैं ये वो वर्ब्स होते हैं कि जो कि किसी स्टेट को, जो कि किसी पोजेशन को, जो कि किसी सेंस को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, या फिर मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करें। अब इसकी मेंटल एक्टिविटी या फिर स्टेट जो है या फिर इमोशंस जो है, इसकी एग्जांपल जब आपको मतलब कि व्हेन यू लव समवन, तो वो लव ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक्शन होता है और मतलब कि भाग दौड़ रहा होता है और आप जो है वो चलता फिरता नजर आ रहा होता है ना, ठीक है। वो एक आपके जहन में एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है जो कि चल रहा होता है, जो कि रहता है वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से कि जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो हालत इजहार है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम स्टेटिव वर्ब्स को, और इसके साथ ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। अब जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, जो कि अल्फाज हैं, कि जो कि इस सिचुएशन में, ये इस मतलब के कैटेगरी में आते हैं, उनकी ये लिस्ट आपके सामने लिखी है। बी, बिलीव, बिलोंग, हेट, हियर, लाइक, लव, मीन, प्रेफर, रिमेन, रियलाइज, सी, सीम, स्मेल, थिंक, अंडरस्टैंड, वॉन्ट, विश, ठीक है। अब आगे इसकी एग्जाम्पल्स हैं। कैन यू फील माई हार्ट, फील
फील जो है वो एक वर्ब है, लेकिन एक ऐसा वर्ब है कि जो महसूस करना, जो कि एक मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं बल्कि मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड अगेन इज अ मेंटल एक्टिविटी। आई वॉन्ट यू, वॉन्ट अगेन एक ऐसा वर्ब कि जो कि चाहता, जो कि फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जिसका ताल्लुक है। आई लव यू, अगेन लव जो है वो फीलिंग्स और इमोशंस जो है उसके साथ इसका ताल्लुक है। डू यू थिंक, थिंक सोचना अगेन मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद कोटेशन है बुद्धा की, बिलीव नथिंग, बिलीव नो मैटर वेयर यू रीड इट और व्हाट हैज और हु हैज सेड इट, नॉट इवन इफ आई हैव सेड इट अनलेस इट एग्रीज विद योर ओन रीजन। अब रीजन, इट एग्रीज विद योर ओन रीजन। अब एग्री करना जो है ये भी स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड योर ओन कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जो है अगेन वो जहन में होती है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा टेंस है इसी लेसन के अंदर, इसी यूनिट के अंदर, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जहां तक ताल्लुक है, तो ये जो है हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे बनाते हैं कि जब हम वर्ब के साथ ING का, मतलब कि एक तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज एम और आर लगेगा, ठीक है। आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, ही इज रीडिंग, दे आर रीडिंग, ठीक है। तो एक तो इज एम और आर का यूज होगा, उसके साथ जो आपका वर्ब है उस वर्ब में हम यूज करेंगे ING फॉर्म, ठीक है। ING फॉर्म यूज होगी उसमें। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज इन प्रोग्रेस नाउ, कि एक ऐसी चीज के बारे में कि जो कि अभी जारी है, एक ऐसा एक्शन जो कि अभी इस लम्हे, जिस लम्हे हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस लम्हे पे वो एक्शन जारी है। टेम्प्रेरी एक्टिविटी और सिचुएशन, नॉट नेसेसरी हैपनिंग एट अ टाइम। एक ऐसी एक्टिविटी कि जो कि टेम्प्रेरी है, जो कि आरजी है और उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, और वो हो सकता है अभी ना हो रही हो सकता है वो कुछ देर के बाद शुरू होने वाली हो, लेकिन उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरेंजमेंट्स वी मेड फॉर द फ्यूचर्स, और ऐसी जो अरेंजमेंट्स हैं, जो ऐसे इंतजाम होते हैं जो कि हमने मुस्तकबिल के लिए किए होते हैं, उन इंतजाम के बारे में गुफ्तगू करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम देखें कि एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, कि जो जो एक्शन हो रहा होता है, तो शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, यू आर लिसनिंग टू अ लेक्चर नाउ। कि अब ये बेहतरीन एग्जांपल है कि यू आर लिसनिंग टू अ लेक्चर नाउ, आप एक लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टेम्परेरी एक्टिविटी, आई एम लिविंग इन द स्ट्रीट अंटिल आई कैन फाइंड अ फ्लैट, कि मैं स्ट्रीट में रह रहा हूँ, आई एम होमलेस अंटिल आई कैन फाइंड अ फ्लैट। अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर, ही इज गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। अब वो सिनेमा जा रहा है, सिनेमा जाकर ऑब्वियसली कोई मूवी देखेगा, तो कैसा ब्लांका की फोटो आपके सामने है, बड़ी ही खूबसूरत मूवी है और इट हैज बीन वेरी पॉपुलर एट अ टाइम। अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं कि इसके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी सिमिलैरिटीज और इसकी डिफरेंसेस जो हैं कि इनका आपस में फर्क क्या होता है, उस फर्क को अब हम नजर मारेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, तो हमने एग्जांपल ली थी कि शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, के वो एक छोटे से गाँव में रहती है, शी इज लिविंग इन द स्ट्रीट अंटिल शी कैन फाइंड अ फ्लैट, ठीक है। तो ये एक इसका डिफरेंस है, इसकी सिमिलैरिटी है कि एक ही सिचुएशन को मुख्तलिफ अंदाज में जब आप उसको कंटिन्यूस में एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी मीनिंग और होगा, जब आप उसको सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर उसका मीनिंग और होगा। परमानेंट और लिमिटेड टाइम के लिए, कि ही वर्क्स एज अ फायरमैन, और इन कंपैरिजन जो सिचुएशन है कंटिन्यूस की, तो ही इज वर्किंग एज अ फार्मर दिस समर, ठीक है। अभी एक टेम्परेरी सिचुएशन को इस्तेमाल कर, ही वर्क्स एज अ फायरमैन के मतलब कि वो शुरू से लेके अब तक और मुस्तकबिल में फायरमैन के तौर पे काम कर रहा है, करता रहेगा, ठीक है। और ही इज वर्किंग एज अ फायरमैन, सॉरी फार्मर दिस समर, कि ये जो गर्मियों का मौसम है इसमें वो किसान के तौर पे, मतलब कि वो ये उस शख्स का मुस्तकबिल
पेशा नहीं है, बल्कि वो इसका पेशा जो मुस्तकिल है वो कोई और है। जनरल और राइट नाउ ही वर्क्स एज अ फायरमैन, नाउ ही इज क्लाइंबिंग। तो जनरल चीजें जो हैं कि ही वर्क्स एज अ फायरमैन, कि वो फायरमैन के तौर पे काम करता है, नाउ ही इज क्लाइंबिंग, लेकिन अभी वो पहाड़ों पे चढ़ रहा है। ठीक है जी। तो अब आपकी बुक से बेटा दो एक्सरसाइजेस ली गई हैं। ठीक है, नंबर वन पे सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स की एग्जांपल है, आई एम, आई एंड शगुफ्ता, वर्क लगेगा या वर्क्स लगेगा। अब ये चूंकि दो हैं प्लूरल बन गया तो ये वर्क आएगा। ठीक है, आई एंड शगुफ्ता वर्क इन द सेम ऑफिस बट वी आर कंप्लीटली डिफरेंट। शी, अब शी सिंगुलर है तो लाइक नहीं लगेगा, लाइक्स होगा, शी लाइक्स कॉफी, बट आई लव, अब आई है तो आई के साथ आपको पता है कि एस और एस का इजाफा नहीं होता, तो आई लव टी, आई वॉश माई कार एवरी वीकेंड बट शी नेवर। अब शी आ गया तो शी सिंगुलर है और इसके साथ एस और एस का इजाफा होगा वर्ब में, तो शी क्लीन्स हर। इसी पैटर्न पे अब जो रिमेनिंग है उनको आप खुद सॉल्व करें। स्माइल जो है देखें उसके साथ एस ई एस का इजाफा होगा नहीं होगा, फील है, कंप्लेन है, थिंक है, फिनिश है, गो है, गो जो है वो ऑब्वियसली कि उसके साथ तो ई एस लगता है, तो अब यहाँ पे लगना है या नहीं लगना डिसीजन आपका है। द बॉस डैश शगुफ्ता इज अ गुड वर्कर, थिंक लगेगा या कि थिंक्स लगेगा। ठीक है, तो इट इज अप टू यू नाउ। ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 20 है जो कि अगेन आपकी बुक से ली गई है। इसमें अब आपने डिसाइड करना है कि आपने आपने आया जो है वो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगाना है या फिर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। ठीक है, तो बी क्वाइट अबू स्लीप, अब अबू स्लीप्स तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, अबू इज स्लीपिंग आएगा। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट रेन, अब इट रेन्स नहीं हो सकता, इट इज रेनिंग होगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा एक्शन जो कि हो रहा है जो कि कंटिन्यूस है। आई हेट लिविंग इन मरी बिकॉज इट रेन, अब यहाँ पे इट रेन्स के ये वो एक रिपीटेड एक्शन की चूंकि बात हो रही है, एक ऐसा एक्शन जो कि रूटीन में होता है, तो आई हेट लिविंग इन मरी बिकॉज इट रेन्स अलॉट देयर। ठीक है, यहाँ पे रेन्स आएगा। आई एम सॉरी आई कांट हियर व्हाट यू से बिकॉज एवरीबॉडी टॉक सो लाउडली, तो आई एम सॉरी आई कॉन्ट हेयर वट यू आर सेइंग बिकॉज एवरीबॉडी इज टॉकिंग सो लाउडली। ठीक है, इसी पैटर्न पे जो बाकी दो सेंटेंसेज हैं इनको आप कंप्लीट करेंगे, तो दैट विल बी द एंड के माई टीचर राइट, अब राइट आप देखेंगे इज राइटिंग आएगा या राइट्स आएगा, और आई के साथ एम गोइंग आएगा या कि आई गो आएगा। ठीक है, तो ये आप पे छोड़ दिया गया है, तो That is the end of the topic.